Dear students, good morning. Today, in our classes, we will read the book on page 86. Planets. A planet is a eucelestial body. ये planet मिसाल का celestial body है that revolve around the sun जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं. The bird planet is derived from the Greek bird. जो planet bird है वह Greek bird से लिया गया है meaning hunter. There are 8 planets in the solar system. Solar system में 8 planets हैं. In order of the distance और की जो दूरी है उसके आधार पर from the sun सूर्य से they are Mercury को है Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus and Neptune. Planet is an object. जो planet है वह एक object है that orbits around the sun जो सूर्य के चारों ओर orbit करता है. Planet do not have their own eternal life. Planet की अपनी खुद की eternal life नहीं है. As they are made up of solid materials. प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. प्लैनेट की अपनी खुद की ऊष्मा नहीं होती न रोशनी होती है. दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स क्योंकि वह सॉलिड मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. एंड गैसेज और गैसों से दे रिफ्लेक्ट वो प्रदर्शित करते हैं लाइट. लाइट को रिसीव फ्रॉम द सन जो वो सूर्य से रिसीव करते हैं. मरकरी इज द प्लैनेट जो मरकरी है वो प्लैनेट है क्लोज टू द सन सूर्य के पास. वाइल नेपच्यून इज द फार्थेस्ट जबकि जो नेपच्यून है वह सबसे अधिक दूर है. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट जो जुपिटर है वह सबसे बड़ा प्लैनेट है. एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट और मरकरी सबसे छोटा है. इन डिक्रीजिंग साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर साइज उनके आकार के डिक्रीजिंग ऑर्डर में द प्लैनेट्स आर जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून अर्थ वीनस मार्स एंड मरकरी. ये प्लैनेट्स हैं. वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. आसमान में वीनस सबसे अधिक चमकीला ऑब्जेक्ट है. आफ्टर सन एंड मून सन और मून के बाद इसे इट इज ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग स्टार. इसे ज़्यादातर मॉर्निंग स्टार कहा जाता है. व्हेन इट इज सीन जब इसे देखा जाता है इन द स्काई आसमान में बिफोर सनराइज सूर्य के प्रकाश के सामने एंड इवनिंग स्टार और इवनिंग स्टार व्हेन सीन इन द स्काई आफ्टर द सनसेट जब इसे सूर्य के सूर्यास्त होने के बाद देखा जाता है. मार्स हैज ए रेडिश एपियरेंस. मार्स का एक लाल कलर का एपियरेंस होता है एंड रेफर टू एज रेड प्लैनेट और यह लाल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. जो सैटर्न है वह सिक्स्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. इट हैज रिंग अराउंड इट इसके चारों ओर रिंग होती है. मरकरी वीनस अर्थ मार्स आर नोन एज द इनर प्लैनेट. इन्हें इनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है व्हाइल जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून आर नोन एज द आउटर प्लैनेट. इन्हें आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. द प्लैनेट मूवमेंट द प्लैनेट हैव टू टाइप ऑफ मूवमेंट. प्लैनेट में दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. पहली रोटेशन और रिवोल्यूशन. रोटेशन ईच प्लैनेट हैज इट्स ओन एक्सिस. प्रत्येक प्लैनेट की अपनी खुद की या छोटी है ऑन विच इट रोटेट ऑन इट्स ओन जिस पर यह रोटेट करता है घूमता है. ऑल द प्लैनेट्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन. सारे प्लैनेट सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. एज दे रिवॉल्व अराउंड द सन क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. दैट इज इसीलिए बेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व की ओर. बट वीनस एंड यूरेनस रोटेट ऑन दियर एक्सिस इन द अपोजिट डायरेक्शन. लेकिन वीनस और यूरेनस है इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है रिवोल्यूशन. द प्लैनेट्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. जो प्लैनेट है सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इन द फिक्स्ड पाथ निश्चित रास्तों में. द पाथ ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ ईच प्लैनेट इज एक्स शेप. वो अंडे का आकार का होता है एंड इलिप्टिकल एंड इज नोन एज इट्स ऑर्बिट और इसकी ऑर्बिट के नाम से यह जाना जाता है. ईच प्लैनेट टेक्स ए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. प्रत्येक प्लैनेट को अलग अलग समय लगता है टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन कम्प्लीट करने में अबाउट इट्स एक्सिस इसकी धुरी पर एंड वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन और एक सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन. नाउ राइट इन लेफ्ट टू रीड दिस चैप्टर.